तीसरे राजा के पुस्तक दूसरा अध्याय के 15 वचन। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेलों जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिय्याह में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है। सो वे उसे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत किए। एलीशा ने उस चादर से नदी को ये कहकर मारा, एलिय्याह का यहोवा कहां पर है? यर्दन दो टुकड़ा हुआ है और एलीशा सूखी भूमि पर पार कर कर आया। वहां पर देखिए 50 भविष्यवक्ता ने एलीशा को ध्यान से देखा, ये कैसे पार करेगा, इनको मजाक करना है। लेकिन जैसे ही यर्दन दो टुकड़ा हुआ है तब ये कहने लगे, जरूर एलिय्याह की आत्मा एलीशा पर उतरा है। कहकर वो मुंह के बल गिर के उनके सामने दंडवत किए। जिन्होंने मजाक करने के लिए इकट्ठा हुआ, जिन्होंने इस तमाशा को देखने के लिए इकट्ठे हुए, जो ये सारी बातों को देखे और जैसे ही उन्होंने देखा एलिय्याह की आत्मा एलीशा पर उतरा है, तो उनका बोली बदल गई, उनका चाल चलन बदल गया। वे एलीशा के सामने आके दंडवत किए। इसका यही कारण है एलिय्याह की आत्मा एलीशा पर उतरा है। उसकी आत्मा के बल बिना एलीशा उस सेवा को नहीं कर सकता था। उस आत्मा की शक्ति के बिना एलीशा इतना प्रभावशाली सेवा को पूरा नहीं कर सका है। इसका कारण है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। इतना प्रभावशाली सेवा करने के लिए पवित्र आत्मा की वरदान की दरकार है। यदि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके पास है तो कोई भी यरीहो या कोई भी यर्दन आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। इस वचन को सुनने वाले आपसे परमेश्वर कहता है, पवित्र आत्मा का ताकत आपके अंदर रहने के चलते कोई भी आपके सामने, कोई भी शक्ति आपके सामने खड़ा नहीं होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ बड़े कार्य को करेगा। कोई भी पर्वत आपके सामने खड़ा नहीं होगा। शायद आज आप ये सोच कर बैठे हैं, मैं सामने आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरे लिए इतनी समस्या मेरे खिलाफ है, मेरे परिस्थिति मेरे खिलाफ है। लेकिन आपके अंदर की पवित्र आत्मा कहता है तू आगे बढ़ सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा की ताकत के सामने कोई भी पर्वत खड़ा नहीं रह सकेगा। आपके सामने जो भी बाधाओं को देखने पर परमेश्वर उसको दूर करने वाला, क्योंकि हमारे अंदर की जो आत्मा है वो एलिय्याह की आत्मा को प्राप्त किए हैं। आपके जीवन में कभी भी नहीं डरना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया।